नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर है, जहां पर इलाहाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का समय अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर ही अब वोट की अपील कर सकते हैं। इलाहाबाद में बता दें कि 30 अक्टूबर को इस उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। उपचुनाव के लिए 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 नवंबर को आपको बता दें कि इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इलाहाबाद में करीब 1,86,000 वोटर्स हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की भी यहां पर ईसी ने अपील की है। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। जो प्रत्याशी हैं अब डोर टू डोर ही अब यहां पर प्रचार कर सकेंगे, यानी कि अब रैलियां या संबोधन इस तरह की चीजें नहीं हो सकेंगी। अब सिर्फ डोर टू डोर ही वोट अपील कर सकेंगे। तो समय यहां पर खत्म हो चुका है। आपको बता दें इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में यहां पर करीब 1,86,000 वोटर्स हैं इस क्षेत्र में, और वहीं इलेक्शन कमीशन ने शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करने की यहां पर अपील की है। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर ही वोट की अपील कर सकेंगे, और वहीं आपको बता दें कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे भी इसके आ जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने हालांकि शांतिपूर्वक पूरे ये चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का भी पालन हो इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं और अपील भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का जो समय है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ डोर टू डोर ही अब यहां पर वोट की अपील की जा सकेगी। इलाहाबाद में आपको बता दें इस क्षेत्र में करीब 1,86,000 वोटर्स हैं। आपको बता दें सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से जो कैंडिडेट यहां पर हैं, गोविंद कांडस के अलावा कांग्रेस से पवन बेनीवाल यहां पर हैं। इसके अलावा इनेलो से बात करें, अभय चौटाला इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं, गठबंधन से और कांग्रेस और इनेलो से भी। यहां पर आपको बता दें इस सीट पर ज्यादातर इनेलो का हालांकि गढ़ कह सकते हैं कब्जा यहां पर रहा। आप देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं कितनी टक्कर यहां पर अभय चौटाला को दे पाते हैं। तो समय सीमा हालांकि प्रचार प्रसार की खत्म हो चुके हैं। आज आखिरी दिन सीएम मनोहर खट्टर ने भी प्रचार प्रसार किया और गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो पार्टियां उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था तो उसमें भी दमखम काफी लगाई। वहीं अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो अब डोर टू डोर ही अब वोट की अपील कर सकेंगे। अब देखना यह, समय काफी कम यहां पर बचा है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है तो बहुत ही कम समय यहां पर बचा है। अब देखना यह है कि कौन से प्रत्याशी कह सकते हैं बाजी यहां पर मारते हैं। बीजेपी जेजेपी के जो नव कह सकते हैं कैंडिडेट यहां पर है, गोविंद कांडा जो कि इन्हें मैदान में उतारा है गठबंधन की सरकार ने। इसके अलावा जो पुराने कैंडिडेट हैं इनेलो से अभय चौटाला ही, जो सीट पर पहले भी आपको बता दें जीतते आ रहे हैं, तो इसमें इस बार इस्तीफा उन्होंने हालांकि दे दिया। तो क्या उन जनता जो है इस्तीफे का कुछ फायदा इन्हें यहां पर होगा, देखना यह होगा। इसके अलावा पवन बेनीवाल को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, तो पवन बेनीवाल इन दोनों ही पार्टियों को गठबंधन और इन्हें लो कितनी टक्कर दे पाते हैं ये भी यहां पर देखना होगा। तो समय सीमा यहां पर समाप्त हो चुकी है, और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं रवि जांगड़ा, जुड़ गए हैं लाइव हैं। रवि, क्या कुछ फिलहाल माहौल है, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो जो तमाम पार्टियां हैं बिल्कुल दमखम देखने की लगा रही हैं। बिल्कुल, अभी चंद मिनट पहले अगर मैं बात करूं तो चुनाव प्रचार का भोंपू जो था वो थम चुका था। इलाहाबाद चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर उपचुनाव की मैं बात करूं, इस उपचुनाव में 1,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। 98,000 मतदाता जो है पुरुष मतदाता है और करीबन 85,000 मतदाता महिला मतदाता है। तमाम लोग जो है 30 अक्टूबर को कल सुबह जब 7 बजे वोटिंग शुरू होगी उस वक्त मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। 215 के करीब बूथ जो है बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक जो है तमाम सियासी दल वो चुनाव प्रचार में मशरूफ थे। अब ड्यूटी, अब जिम्मा शुरू होता है पुलिस प्रशासन का, वो अब तय करेगा किस तरह से बूथों पर किस तरह से मुस्तैदी बरती जानी है, पोलिंग पार्टीज पर रवाना किया जाना है। हालांकि 29 तारीख को तमाम कवायद शुरू की जाएगी। अभी चंद मिनट पहले तक जब चुनाव प्रचार चल रहा था तमाम सियासी दल, खासतौर पर 4 सियासी दलों का जरूर जिक्र करूंगा, अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करें, हेलोपा भी उसमें शामिल है, अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल वो भी लगातार, और उनके चुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दूसरे तमाम नेताओं की, किरण चौधरी की बात करें, वो चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इनेलो की बात करें, जहां पर हालांकि चौधरी देवीलाल का गढ़ इस इलाके को माना जाता था, और इस बार क्योंकि चुनावी जो बिसात बीची है उसमें सरकार के लोग भी
काफी तादाद में स्टार प्रचारक के तौर पर आए थे। कुछ सुबह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो दिन तक यहाँ इस इलाके में डेरा डाला था। मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम की बात करें या फिर कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की बात करें, वो यहाँ पर इलाहाबाद इलाके में लगातार 71 गांव है, यहाँ पर तमाम गांवों में जो है बड़ी जनसभाएं करते देखे गए थे। साथ ही साथ अगर बात करें इनेलो, जिसके स्टार प्रचारकों के तौर पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, खुद जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह चौटाला, वो लगातार देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि चुनावी रण काफी रोचक है। चुनावी जो महाभारत मैं कहूंगा कि इलाहाबाद की, वो काफी रोचक इस बार जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी लगातार ये कहते आए हैं कि उनको पूरी तरह से तमाम नेताओं का समर्थन हासिल है, तो इनेलो के गढ़ में सेंध लगाने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी अपने आप को कमतर नहीं आंक रही है। खुद कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनका कहना है कि इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा देकर किसानों के साथ होने की बात कही थी, महज और राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इनेलो की बात करें, इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला भी खुद को कमतर नहीं आंक रहे। उनका कहना है कि ये इलाका चूंकि चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस इलाके में काम करवाए हैं लगातार 11 बार जो है, जिस तरह से 11 बार यहाँ से जो इनेलो के विधायक बने थे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है वो भी अति आश्वस्त है इस बात को लेकर। बिल्कुल, और आज आखिरी दिन रहा है तो सभी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में रहे हैं और सभी चुनाव प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें अगर आज जनता की बात करें तो जनता का जो रुख है वो आपको किस तरफ देखने को मिला, बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी की तरफ या इनेलो या कांग्रेस की तरफ? जो एक माहौल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि जो वहां की जनता है किसे ज्यादा पसंद कर रही है? देखिए, दो बातें यहाँ पर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दो बातें यहाँ पर सामने आई थी। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी बात सामने आई थी कि किसान के लिए जो 3 कृषि कानूनों की बात कही गई है, 3 कृषि कानूनों को लेकर जो है लगातार प्रचार प्रसार करते आए विपक्ष के नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें इनेलो की बात करें, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला तो लगातार ये बात कहते आए हैं कि किसानों के लिए उन्होंने अपने पद को भी जो है कुर्बान किया था। हालांकि दूसरी मर्तबा चुनाव मैदान में एक बार फिर से आए हैं वो, तो किसानों के साथ हैं। किसान कानूनों को लेकर वो इस मुद्दे को पूरी तरह से कैश करवाने के लिए कृत संकल्प है, लगे हुए इस बात को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की मैं बात करूं, खुद मुख्यमंत्री बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अजय सिंह चौटाला की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो उपचुनाव के हालात पैदा हुए हैं उसके मुताबिक तो अभय सिंह चौटाला को चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था। और भी कई सारे आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया है कि 2 साल जो है वो सरकार को हो चुके हैं, यानी पहले 5 साल और 2 साल नई जो योजना थी नए सत्र के, ये हो चुके हैं। और आगे आने वाले 3 साल में जेजेपी की बात करें तो एक जिस तरह से डबल इंजन की सरकार जैसे कह लेते हैं कि अगर इलाहाबाद में बीजेपी का जेजेपी का कैंडिडेट होगा और वही सरकार, यानी कि वहां पे राज्य सरकार में भी वही सरकार रहेगी, तो इससे विकास जो है इलाहाबाद का ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, जो कि मनोहर लाल खट्टर भी यहां पर कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, यानी कुर्बानी यहां पर दी है, तो क्या लगता है कि अभय चौटाला का इस्तीफा देने के बाद कुछ ज्यादा फायदा यहां पर अभय चौटाला को होता दिख रहा है और साथ ही वो किसानों के साथ यहां पर खड़े हैं? तीसरी बात यह कि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है तो बीजेपी से थोड़ी बहुत नाराजगी अभी फिलहाल किसानों के अंदर देखी जा रही है, तो इस ओवरऑल चीजों को देखें तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, मुकाबले की बात करूं, सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि जो मुकाबला है सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि इनेलो और बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार के बीच में अब फिलहाल के जो सिनेरियो की बात करें, जिस तरह की जनसभाएं आयोजित की गई हैं, चाहे इनेलो की बात करें या फिर बात दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी की करें, मुख्यमंत्री और दूसरे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो तमाम लोग ये कहते आए हैं कि 2 साल हो चुके हैं सरकार के, आने वाले 3 सालों में, क्योंकि लगातार जब देखा जाता है जब भी कोई चुनाव होता है तो लोग जो है सरकार चुनने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार तो सरकार चुनी हुई है, चुनी चुनाई सरकार में महज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वो इस तरह की बात मतदाताओं के बीच में कह रहे हैं, हर जनसभा में यही बात कह रहे हैं कि महज एक बटन दबाना है, टिकट दी गई है और उसके बाद जब विधायक उनका चुना जाएगा तो सरकार में सीधे तौर पर हिस्सेदारी होगी। 700 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो है इस इलाके में लागू की गई थी, 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगर यहाँ का विधायक को आवाज उठाता, अगर अभय सिंह चौटाला यहाँ पहले आवाज उठाते तो निश्चित तौर पर और ज्यादा विकास हो पाता। अभी भी वक्त है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं या दूसरे तमाम लोग कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अगर वो समर्थन देते हैं तो 1400 करोड़ से ज्यादा का विकास, डबल विकास हो पाता। लेकिन ये तो मतदाताओं की समझ की बात है, वो क्या सोचते हैं। अभय सिंह चौटाला ये कहते नहीं सकते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से त्याग पत्र दिया था, किसान हितों में त्याग पत्र दिया था, किसानों के हितों को देखते हुए, हालांकि जो राज्य सरकार जो भी योजना बनाएंगी, हालांकि सभी जिलों के लिए होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा विकास की हम बात कर लेते हैं। इलाहाबाद में फिलहाल की जो वहां की वर्तमान की स्थिति है,
विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या लगता है आपके नजरिए से, वहां पे क्या विकास अभी हुआ है या क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? देखिए, पानी की दिक्कत सबसे बड़ी, दो तरह की दिक्कत है इस इलाके में। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ, 45 साल जो नाथुश्री चोपटा का इलाका है, 45 साल के नाम से विख्यात, 45 गाँव उसमें शुमार है, वहां पर सेम की ज्यादा दिक्कत, और सेम की वजह से जो है किसानों की फसलें लगातार जो है खराब होती आई है। हालांकि सत्तासीन ये बात कहते नहीं सकते हैं कि 2 साल में उन्होंने विकास परियोजनाएं जरूर शुरू की थी, आने वाले दिनों में, हालांकि अभी आचार संहिता आड़े आई है, आने वाले दिनों में और भी विकासात्मक कार्य करवाए जाएंगे। ऐसी एक वृद्ध योजना, एक बड़ी योजना, व्यापक योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी जिससे पानी की निकासी हो। वही दूसरी तरफ अगर अभय सिंह चौटाला की बात की, वो भी ये कहते हैं कि इलाके में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो विपक्ष में थे तो जितनी आवाज उठा सकते थे विपक्ष में वो आवाज उनके द्वारा उठाई गई थी। जैसा आपने दिक्कतों की बात की है, परेशानियों की बात की है, पेयजल की किल्लत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देती है, और दूसरी तरह की सीवरेज व्यवस्था की बात करें और भी इस तरह की कई सारी दिक्कतें, कई तरह की समस्याएं यहाँ पर सामने आई थी। हालांकि सीवरेज और पेयजल की जो दो मुख्य समस्याएं बता रहे कि वहां पर, सड़कों की बात करें तो इलाहाबाद की सड़कें कैसी हैं? देखिए, सड़कों की बात करें, सड़कों के लिहाज से इलाहाबाद, क्योंकि जो भी सरकार यहाँ पर आई थी, कहना कतई गलत नहीं होगा, ये सड़कों की जो यहाँ पर उसके दिशा में काम किया गया था, बात चाहे हुडा सरकार की करें, 10 साल तक हुडा सरकार थी, उससे पहले चौटाला गवर्नमेंट की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार थी, सड़कों का काम जरूर हुआ था, सड़कों का जाल बिछाया गया था, सड़कों की स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें जो है माकूल नहीं है, सड़कों की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है जो कि राजस्थान बॉर्डर से जुड़े हुए गांव है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है, यानी कि अभी थोड़ा बहुत विकास हुआ है लेकिन अभी ज्यादा भी विकास की वहां पर जरूरत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।